हेलो बच्चों, देखिए इसी चैप्टर का लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में चैप्टर 7 में जो दिया है उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस और लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। ओके चलिए, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया पोटैटो, सबके घर में कंज्यूम होता है आलू, है ना। ये पोटैटो में क्या होता है कि आजकल के पोटैटो में आई जाते होंगे, उजला उजला छोटा छोटा, है ना, उसके सरफेस से आई जाते हैं, है ना। और जब इसको काट के हम यहाँ से मिट्टी में इसको डाल देंगे, लगा देंगे, है ना, तो उसमें से न्यू प्लांट आ जाएगा। तो हुआ ना, पोटैटो से, एक पोटैटो से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। तो आप बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस हुआ, मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि री को हटा दीजिए, अभी आप री को भूल जाइए, री को भूल जाइए, और प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, बनाना, और रिप्रोड्यूस मतलब ये साइकिल चलते रहता है, इसलिए रिप्रोड्यूस। तो आलू से पोटैटो प्लांट तो बन गया ना, और पोटैटो से जब पोटैटो प्लांट का डेवलपमेंट हो गया तो फिर पोटैटो भी मिलना ही मिलना है। आपको पता है ना कि प्लांट्स में क्या होते हैं कि फ्रूट बियरिंग होते हैं, फ्लावर बियरिंग होते हैं। आफ्टर ऑल हमें पोटैटो प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट के रूप में पोटैटो मिलता है। तो पोटैटो से पोटैटो मिला, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। वैसे ही मैंने यहाँ पे ओनियन बनाया है, रूट है, ये ग्रीन ग्रीन जो ऊपर की तरफ निकलता है उसका लीव्स, है ना। तो इससे भी क्या होता है, यहाँ पे जब ग्रीन ग्रीन लीव्स आप दिखा रहे हैं, दैट मीन्स इसमें ग्रोथ हो रहा है, है ना। ये प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है ओनियन, दैट मीन्स इससे भी अब हमें ओनियन मिलने वाला है, तो कह सकते हैं प्रोड्यूस, है ना, रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे ब्रायोफाइलम मतलब लीफ से यहाँ पे न्यू लीव्स का, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, इसके रूट से नहीं होता है, स्टेम से नहीं होता है, लीफ से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। तो कहने का सेंस है कि कहीं पे आप मतलब प्लांट का जो, प्लांट के केस में जो प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है। जैसे हिबिकस है, हिबिकस है ना, उड़ूल का प्लांट जो होता है उसका हम लोग तना काट के मिट्टी में लगा देते हैं तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। रोज गुलाब उसका भी स्टेम काट के लगा देते हैं तो हमें न्यू रोज प्लांट मिल जाता है। तो कहने का सेंस है कि प्लांट्स में न्यू बेबी प्लांट का डेवलपमेंट लीफ से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, सीड से भी हो सकता है। और ये सारे चीज़ हमने देखे हैं, है ना, हमने उसको पढ़ा है, हमने उसको महसूस किया है। तो फिर कह सकते हैं ना कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट आपको टॉपिक है रेस्पायरेशन, मतलब लिविंग थिंग्स रेस्पायर भी करता है, क्यों नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लीफ का फिगर बनाया है और इसमें छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स बनाए ना रेड कलर के, वो क्या है, स्टोमाटा है, स्टोमा या स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा क्या करता है ना, बाहर से एयर से ऑक्सीजन को लेता है और लीफ को देता है। तो इस तरह से इसके जो सेल्स हैं, इतना बड़ा लीफ बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं और सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, तो यही स्टोमाटा बाहर से ऑक्सीजन लेके लीव्स के सेल्स को देता है। और इस तरह से लीव्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 फिर एटमोसफेयर में छोड़ देना। मतलब ऑक्सीजन हमने वायुमंडल से, एयर से अंदर इनहेल किया नोज पाइप के द्वारा, नोज और नोज में नॉस्ट्रल्स, नोज पाइप के द्वारा इनहेल किया और फिर बदले में CO2 फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। और ये प्लांट में भी होता है, तो प्लांट के पास तो नोज नहीं है, तो उसके जगह पे क्या है, स्टोमाटा है, ठीक है। और आपने फिर देखा कि लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा सा प्लांट बनाया है बच्चों, और मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो प्लांट है ना, प्लांट के लीफ में फूड प्रोड्यूस होता है, और फूड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन CO2 चाहिए होता है फूड बनाने के लिए। तो वो CO2 भी एटमोसफियर से लीफ के अंदर इस स्टोमाटा के द्वारा आता है।
ठीक है, और उसके बाद से सनलाइट तो मिल ही जाएगा प्लांट को। यहाँ मिट्टी में पानी तो रहता ही है, मिनरल्स तो रहता ही है, जो रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट के लीफ को दे ही देगा। फिर तो फूड बन गया, लीफ के अंदर यहाँ पे फूड तो प्रोड्यूस हो ही जाना है। तो इस तरह से आपने समझा कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिस्पायर एंड लिविंग थिंग्स है ना नीड फूड और प्रोड्यूस फूड। ओके बच्चों।